हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल ये है कि आपने पहले नैंड गेट एक बनानी है, फिर दूसरा नैंड गेट बनानी है। इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, एस आर क्यू एन क्यू एन क्यू एन बार। इस बार का ख्याल रखेंगे जब आर गेट करेंगे नार गेट, तो क्यू एन बार इसका बिल्कुल सामने आएगा। जब नैन गेट करेंगे तो एस का जो है ना ये बार अपोजिट आएगा, इधर नीचे आएगा। तो हम पहले एस बी ज़ीरो आर बी ज़ीरो, एस ज़ीरो आर ज़ीरो, ज़ीरो इधर जाएगा वन हो जाएगा, वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन आ जाएगा, बिल्कुल यूनिवर्स आ गया। ये ज़ीरो ये वन में कन्वर्ट हो गया, ये ज़ीरो वन में कन्वर्ट, बिल्कुल ये सारा इनवैलिड आएगा, इनवैलिड हो गया। मैं पे अभी ज़ीरो वन भेजता हूँ, यानी इसको एस को ज़ीरो भेजता हूँ, आर को वन भेजता हूँ। ज़ीरो इधर जाएगा वन हो जाएगा, वन वन ज़ीरो। तो क्यू एन मेरे पास वन हो गया, क्यू एन बार मेरे पास ज़ीरो हो गया। अभी मैं वन ज़ीरो भेजता हूँ, एस 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 वन हो गया, आर ज़ीरो हो गया, वन इधर जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो 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 वन। अभी ये वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, अभी मैं वन वन भेजता हूँ, वन वन भेजता हूँ। ये भी वन हो गया, ये भी वन, वन इधर जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन वन हो गया। अभी अगर मैं चेंज करूँ फिर किस तरह आता है, जब मैं इसको वन करूँ इसको ज़ीरो करूँ, ज़ीरो वन वन आता है, वन वन ज़ीरो आता है। ये होल्ड कंडीशन है दोनों पे। तो ये उसका ट्रुथ टेबल है इसका।